हाईएस्ट 88 में कवर करी बोले हुए। देखो गाइस कुछ राइडर मिल चुके थे, उन्होंने हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है बोलते हैं बाय बाय। किंतु ये नहीं, मैंने ये दोस्तों तो दे रहा हूँ 80 टका खर्च कर। अभी कहाँ जाएंगे आप? देख लो ये देख लो, कलकत्ता तुम्हारे डिसाइड करी मैं दिल्ली जाऊँ ने खर्च। फोटो मार भी ना, फोटो भैया। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, बाय बाय। कितना ऑसम बाइक है गाइस, ये किसका वेस्ट बंगाल का है। हमें गाइस वेलकम टू एक आंधा वीडियो, मैं हूँ संजीव और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दास भाई ब्लॉग। और कल हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया, आप लोगों ने कल मतलब कि परसों दिन से हम लोग यहीं पर स्टे करें, आप लोग देख चुके हैं। और हम लोगों को निकलना सुबह ही था, लेकिन गाइस थोड़ा हम लोग उठे 4 बजे, पूरा 10 मिनट हो गई सामान वामान पैक करने में, हम लोगों को थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा अपना फ्रेश व्रेश भी होना था। अभी अपना बेबी सब निकल दिए तो, और वो लोग तो निकल रहे हैं फटाफट से, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। और आज का हम लोगों को जाना है लखनऊ, और अगर सुबह 10 बजे तक हम लोगों ने 50 या 60 को पार कर लिया तो आराम से लखनऊ पहुँच जाएंगे, क्योंकि लखनऊ यहाँ से करीबन 138 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस। तो यार फटाफट से निकलते हैं, और अपना भाई भी उठ चुका है, ये गुरुद्वार का कुछ सीन देख सकते हैं। और अपना ये क्या मस्त लग रही है भाई, बहुत ही मस्त लग रही है। आज कोई दिक्कत ना आए रास्ते में, उसी रब की दुआ है। अभी इतना सुंदर लग रहा है, अपना फ्लैग लगा के देख सकते हैं, पूरा तैयार हो चुके हैं भाई। गुड मॉर्निंग, उन दोनों को आने देते हैं भैया, निकलते हैं फटाफट से। सूज पहन लो, गाइस ये चेक करें, गेट पे पूरा ताला लगा हुआ है। अभी हम लोग तो शत्रु ब्रेक रेडी हो चुके थे, लेकिन ताला लगा है। और ये रहा अपना न्यू टीम मेंबर जो कि हमारे साथ जुड़ चुका है भाई। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये वेस्ट बंगाल का बंदा है, ये इसका बोट आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जाएगा सिर्फ केदारनाथ। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गेट भी ताला बड़ा ताला लगा है, और अपना तिरंगी मस्त लहर रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे, और गाइस हाईवे से अपना लखनऊ पड़ता है 141 किलोमीटर, और हम लोग तो अभी बच चुका है 5:30। मौसम भी बहुत अच्छा है, इतना धूप भी नहीं निकला, तो यार फटाफट से भगा लेते हैं। और अपना टीम मेंबर ही आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। हाय गाइस, और एक भाई को हम लोग दिखा देते हैं फटाफट से भाई। यार हाय बोल दो। हाय। और अपना अक्षय भाई आगे जा रहा है। गुड मॉर्निंग ब्रो, हाय हाय, देखा हाय 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 देखा। तो गाइस सुबह से हम लोग, सुबह 5 बजे से हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 41 किलोमीटर कवर कर दिया, और गाइस क्या बताऊं, और लखनऊ में ये लखनऊ यहाँ से करीबन पड़ता है 141 था, 41 तो हम लोगों ने कवर कर दिया, वो 100 किलोमीटर कवर करना है। और गाइस ये रहा बंदा, और दो बंदे मतलब कि अक्षय और रूप बहुत पीछे है, और हाईवे का सीन चेक करेगा। ऐसे इतना मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, और सुबह का सीन बहुत ही अच्छा है क्योंकि सुबह में इतना धूप ही नहीं, अभी धूप निकलना शुरू हो चुका है,
और गाइस सुबह से हम कुछ खाए पिए भी नहीं निकल चुके थे, अभी भूख भी लगा और यार आगे में जाके कुछ खा लेंगे। तो लोग सुबह 5 बजे से साइकिलिंग करने के और भूख भी लगा और गाइस हम लोग एक होटल में रुके, लेकिन यहाँ पर सारे टेबल पे मक्खी मक्खी हो रहा था, इसलिए हम कुछ अटर नहीं किया। फिर हम लोग ऐसे भी और थोड़ा भूख भी लगा, एनर्जी पीने के लिए हम लोगों ने ये जूस, ये क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया और इसी को खाते हैं और खाने के बाद फिर से निकलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस हम लोग तो उस होटल पे तो कुछ खाया नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदा गंदा सब मक्खी मक्खी भी हो रहा था, इसलिए खाया नहीं। फिर फिश खा के निकल चुके थे और आते आते गाइस हम लोग पूरा 50 प्लस चला लिए और अभी भूख कुछ खाना पड़ेगा। और अक्षय भाई का साइकिल का चक्का बहुत जाम हो रहा है बोल रहा है, उसको भी देखाना पड़ेगा साइकिल से। पता नहीं 3-4 दिन से इसके साइकिल में क्या हो रहा है, क्या एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो यार आगे जाते हैं भाई, फिर कुछ खाते हैं और आपसे। अक्षय भाई का साइकिल ठीक करा जा रहा है, यहाँ पे एक साइकिल शॉप मिला वहाँ पर हम लोग ठीक करा दे, तो भैया देख रहे हैं। तो गाइस अक्षय भाई का साइकिल ठीक हो चुका है, अभी उससे पूछते हैं कैसा लग रहा है। भाई कैसा लग रहा है साइकिल, ठीक हो गया ना? पूरा फ्री नहीं हुआ अभी तक, अभी तक फ्री नहीं हुआ। ओ भाई फिर से दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा साथ क्या हो रहा है 4 दिन से? जाने क्या हो रहा है। तो यार भूख भी बहुत जोर से लगी, आ गए थे कुछ खा लेते। गाइस ये रहा अपना सेकंड स्टॉप, अभी हम लोग ये ढाबा पे रुके, ये ढाबा देख सकते हैं खाने के लिए। आपको पता है हम लोग ढाबा पे रुके, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, बहुत मक्खी मक्खी हो रहा था। मैंने यहाँ पर आए देखे और अभी हम लोग रोटी सब्जी खाने और अंकल भी आप लोग सब्जी आ गए, ये अपना सैलेड आ गया, चावल मसाला सब्जी दो ही पड़ी। आपने एक जड़ जो है देते हैं तो ये फटाफट से खाते हैं, इतना धूप की वजह से हम लोग थोड़ा रुके हैं क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन ट्रेन में थोड़ा चेंज हो गया, अभी हम लोग लखनऊ नहीं बाराबंकी हो गए सीतापुर जाएंगे। सीधा लखनऊ होते हुए भी सीतापुर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रुके हैं, यहीं पर हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं और फिर और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो यार यहाँ पर नहा धो लेंगे और शाम को ही यहाँ से निकलेंगे। बहुत धूप है गाइस, अपना साइकिल वगैरह लगा लिया और अपना भाई लोग उधर पर बैठ चुके हैं। गाइस अभी बच चुका है 4:25 और हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं दोपहर को, और गाइस अभी इन दोनों तो खाना खा के आ चुके थे, हम अपने और अक्सर जाने वाले खाना खाने के लिए। और गाइस ये मंदिर था जो जहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट लिया और वो वहाँ पर हम लोगों ने नहाया, और ये हम बेबी लोग हैं तो यार फटाफट से जाते हैं और खाना खाते हैं, फिर से आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम लोग उस मंदिर से निकल चुके हैं, अभी ढाबा ढूंढते हैं, पास में ही उन लोगों ने बोला तो यहाँ पास में ही है, तो यार फटाफट से जाते हैं ढाबा पर, ढाबा पर पहुँचने के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। गाइस पहुँच चुके हैं ढाबा, अभी यहाँ पर अपना खाना भी ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर थाली पड़ता है 100 रुपये का, 4 रोटी राइस और सब्जी मिल जाएगा, सलाद भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अपना मोबाइल भी चार्ज लगा दिया और अपना साइकिल भी वहाँ पर लगा दिया, भाई बैठा है और बैठा, यार फटाफट से खाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से मिलते हैं। और आज से हम लोगों को और 50 किलोमीटर राइड करना है गाइस, और 50 किलोमीटर बच चुका है, अभी 5 बज चुका है गाइस। कि हम लोग वहाँ से होटल से खाना खा के फिर से राइड कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी शाम हो चुका है, शाम का अभी कितना बजे है भाई, कितना बजे है? 7 बजे, 7 भाई 7 बजे, और अभी तक शाम अंधेरा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया। और अभी हम लोग रुके हैं टूल गेट के सामने, यहाँ पर हम लोगों का पानी मिल रहा था ठंडा पानी, तो पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके और थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। और आज हम जाने वाले हैं बाराबंकी, और बाराबंकी यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 25 किलोमीटर गाइस, 25 किलोमीटर। यहाँ फटाफट से कबाड़ कर लेते हैं और अपना भाई यहाँ पर बैठा है और ये एक बैठा है और वो पानी भरा लेके गया अक्षय, और अपना साइकिल कितना मस्त लग रहा है, सभी के साइकिल में इतना बड़ा बड़ा झंडा और ये छोटा वाला भी है गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। हुए देखो गाइस कुछ राइडर मिल चुके थे, उन्होंने हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा।
ठीक है मिलते हैं। बाय बाय फोटो का कभी मान लो भैया। हैप्पी जर्नी हैप्पी जर्नी थैंक यू बाय बाय। इतना ऑसम बाइक है गाइस, चेक दिस आउट, वेस्ट बंगाल का है। हमें याद है मोर कंप्लीट ओए पेलाई नहीं दीबी तो पेलाई नहीं दीबी तुम तुम्हारा हाइट से मोट करी तुम्हारा लव है बस अब हे पहले हे तू साइड किंतु एकदम हेरी तो पेलाई दीबी पेलाई दीबी ऑलरेडी हाथ पर मन ले दे और हाथ पर मन पूरी से ऑलरेडी तुम्हारा हाइट बेसी हो हाइट बेसी हो तो नुआर भी कपी कर एन यूनिक राइड ऑफ एप्रोक्स 10,000 किलोमीटर लैस मैं फॉर द पीपल्स दैट्स हैड टू कलेक्ट देयर फीट फ्रॉम डस्टबिन और गार्बेज केदारनाथ में नहीं होता है, कैलाश में हो सकता है वो अभी अलग है, लेकिन सब की हम जा रहे हैं हमारा कष्ट करके जा रहे हैं ना, वही बाबा पता है। अरे अभी की मान लो तो अपना साहब पानी भरा बात दिलो डायरेक्ट अपना कथा पाटी में आइछो अभी कथा ये कथा को ना बिना ब्रेक और डाउन आउट केने के जाए अबे ये तो मूल फंडा। अभी तुम लोग बच्चे हो बहुत चीजों में कच्चे हो ठीक है, मतलब भोड़ी भोड़ी दीपने मारे हम लोग खाना खा के आए हैं 6 बजे 6:30 बजे खाए नहीं भूख नहीं है हम लोग। आप अकेले रहते दादी? भोले बाबा सबके हम लोग भी भोले बाबा के पास ही जा रहे हैं केदारनाथ। अरे भैया बड़ी अच्छी बात है, आज निकले हुए घर से 23 दिन हो गए हम लोग का, जो आतरी आते हैं यहाँ पर होके तो जाते हैं। हम लोग अभी पारी हो गया था, हमने उनको बना के खवाते हैं। अचानक अचानक क्या दिमाग में आया कि यहाँ पर हम लोग जाए? अभी हम लोग मतलब पारी हो गया था, फिर मेरे को मंदिर दिख गया, फिर रुक गया मैं। दिन का बड़ी भीड़ रहा था, अब आप शाम का उधर बच्चे आए गाँव के, अब पूजा करा के अब जा रहे हैं। हमने आप खाना खा लिया? नहीं भैया हम खाना नहीं खाए। क्यों? हमारा तबीयत खराब, अच्छा नहीं जा रहा खाना। कुछ ला दे दुकान? नहीं नहीं बेटा हम खाते नहीं है दुकान पे। फिर खाना खाने से दवाई खाओगे ना? आलू रखा है जैसे खा के खाते हैं हम नहीं खाएंगे। और दवाई? दवाई दवाई खा लिया? हमारे पास दवाई है? नहीं हमारे पास है। आपका जगह जगह दवा है ना, हमारा होगी जगह दवा है, हम बच्चे जवान जहाँ हम आप बूढ़े को दवा है ना, दवा बदली है। ने हम लोगों को पूछा कि तुम लोग भोजन करके आए, तो गाय हम लोगों तो शाम को ही खाना वाना खा लिया था, लेकिन अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है तो हम लोग नहीं खा रहे। और गाय यहाँ पर हम लोगों को रहने का जगह मिल गया, यहाँ पर हम लोग सोने वाले हैं। और यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल का भाई वहाँ पर मेरा बेड लगा दिया, अपना साइकिल भी यहाँ लगा दिया। तो गाइस इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू एपिसोड के साथ। और जो बंदे इस चैनल को नए हो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करके अपना भाई को भी थोड़ा सपोर्ट देना।